नमस्कार दोस्तों, वित्त कुंड के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज वित्त कुंड के माध्यम से जानते हैं कि होम लोन टेकओवर क्या होता है, होम लोन बैलेंस ट्रांसफर क्या होता है और होम लोन का टेकओवर हमें कब करवाना चाहिए। दोस्तों होम लोन टेकओवर, इसी को बहुत सारे बैंकों में जो है होम लोन का बैलेंस ट्रांसफर बोलते हैं। दोस्तों जब हम एक बैंक से जो है दूसरे बैंक में अपने होम लोन को ट्रांसफर करवाते हैं उसी को होम लोन टेकओवर बोलते हैं, उसी को होम लोन जो है बैलेंस ट्रांसफर बोलते हैं। दोस्तों होम लोन टेकओवर हमें कब करवाना चाहिए? दोस्तों 2019 में अगर किसी भाई बंधु ने 20 साल के लिए किसी बैंक से होम लोन लिया था, 6.5% की ब्याज दर से होम लोन लिया था, आज वही होम लोन जो है 2023 में 20 साल की जगह 30 साल का हो चुका है और जो 6.5% की ब्याज दर थी वो 9.5% को भी क्रॉस कर चुकी है। तो दोस्तों होम लोन जो है वो समय के साथ महंगा हुआ है और 75 लाख से ज्यादा का जो होम लोन है वो और भी महंगा जो है हो चुका है। तो दोस्तों आज जानते हैं कि होम लोन टेकओवर कब करवाना चाहिए। दोस्तों जब एक बैंक से दूसरे बैंक में हम होम लोन टेकओवर करवाते हैं तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहला ख्याल तो ये रखना चाहिए कि जिस बैंक से हम जा रहे हैं क्या उस बैंक में जो है कोई टेकओवर चार्जेस है या नहीं है, कोई ऐसी पेनल्टी वगैरह है या नहीं है। दूसरा, जिस बैंक में हम अपना होम लोन ट्रांसफर करवा रहे हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कोई प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह है कि नहीं है या और भी किसी तरह के चार्ज जो है वो है या नहीं है। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि जब टेकओवर करवाते हैं तो बहुत से बैंक जो है वो प्रोसेसिंग चार्ज को वेव कर देते हैं, बहुत से बैंक जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता देते हैं। और दोस्तों जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता हो वहां हमें ले लेना चाहिए। दोस्तों अगर 0.50% मतलब आधा परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर हमें कहीं कम मिलता है, मान लीजिए जिस बैंक में हमारा होम लोन है उसमें 9.5% है और अगला हमें जो है 9% पे जो है होम लोन दे रहा है, तो दोस्तों हमें अगर 20-30 साल का लोन होता है तो हम लाखों रुपए में जो है बचा लेते हैं। और अगर किसी बैंक की मामूली सी कोई प्रोसेसिंग फीस है भी तो दोस्तों वो ज्यादा से ज्यादा हम एक साल में जो है उसको कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों दूसरे बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जान लेना चाहिए, प्रोसेसिंग चार्ज या किसी अन्य तरह का कोई चार्ज है वो देख लेना चाहिए। दोस्तों और पिछले बैंक में जो है वो देख लेना चाहिए, कोई टेक ओवर की कोई पेनल्टी तो नहीं है। तीसरा हमें जो ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमने कंस्ट्रक्शन के लिए कोई होम लोन लिया था किसी बैंक से तो हमारा कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, मोरेटोरियम पीरियड जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। या बहुत से बैंक ऐसा करते हैं कि अगर 12 महीने से कम का होम लोन है किसी बैंक में तो वो टेक ओवर नहीं करते हैं। दूसरा, जिस बैंक में भी हमारा होम लोन है वहां अगर हमारी किस्तें चालू हो चुकी हैं तो हमारा खाता कभी भी जो है वो ओवरड्यू ना हो, स्ट्रेस में ना हो, एनपीए ना हुआ हो। ओवरड्यू का मतलब ये होता है हमारी जो किस्तें हैं इंस्टॉलमेंट है वो कभी चूक ना गई हो, कोई इंस्टॉलमेंट जो है वो ओवरड्यू ना हुआ हो। और आगे जो दोस्तों बहुत से बैंक ऐसी सुविधाएं देती हैं कि मान लो जिस बैंक में आपका होम लोन ट्रांसफर हो रहा है वो बैंक जो है आपको लीगल जो करवाते हो, जो वैल्यूएशन करवाते हो आप लीगल सर्च रिपोर्ट, मतलब अगर किसी वकील से जो आप लीगल सर्च रिपोर्ट बनवाते हो, किसी वैल्यूअर से जो मकान की वैल्यू लगवाते हो, तो बहुत सारे बैंक जो है वो लीगल सर्च चार्ज जो है वो वैल्यूएशन चार्ज जो है वो अपनी जेब से देते हैं, मतलब वो चार्ज जो है वो आपको नहीं देना पड़ता। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बैंक से पूछते नहीं और आप जो वकील जो है और जो वैल्यूअर जो है उसकी फीस जो है आप पे कर देते हो। तो दोस्तों आपको उस बैंक से ये पूछ लेना चाहिए कि लीगल और वैल्यूएशन चार्ज जो है वो कौन सहन करेगा, वो कस्टमर को देना पड़ेगा या बैंक को देना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि उसको बैंक जो है वो सहन कर लेते हैं। और दोस्तों ईएमआई जरूर कंपेयर करनी चाहिए। ईएमआई कंपेयर करने का मतलब ये है कि आपका लोन जो चल रहा है जिस बैंक में वहां पे आपकी ईएमआई कितनी है, कितने साल का लोन बचा हुआ है, कितना आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है और उसी अमाउंट पे और उस ब्याज नई ब्याज दर पे और जो वो होम लोन दूसरा बैंक दे रहा है उसकी ईएमआई कितनी है, दोस्तों उसका फर्क भी हमें जान लेना चाहिए। दोस्तों
जब हम ये सारी चीज देख लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह क्या है, कोई टेक ओवर का चार्ज है या नहीं है, और दोस्तों कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, एक साल हो चुका है पिछले बैंक में, या कोई ओवरड्यू या एनपीए नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और लीगल चार्ज का, वैल्यूएशन चार्ज का जो है वो खर्च कौन सहन करेगा, ये सब चीजें जब हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जो है हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एक बैंक से दूसरे बैंक में होम लोन ट्रांसफर करने की, होम लोन टेक ओवर करने की, होम लोन का बैलेंस ट्रांसफर करने की। तो दोस्तों जो पहले आपका बैंक है, एग्जिस्टिंग बैंक है जिससे आपने होम लोन लिया हुआ है, वहां से आपको एलओडी लेना होगा। एलओडी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लेनी होगी। दोस्तों लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वो दस्तावेज होता है कि इस बैंक में जो है आपके कौन कौन से होम लोन के दस्तावेज जमा है, ओरिजिनल रजिस्ट्री वगैरह, अप्रूव्ड मैप, इंतकाल वगैरह, क्या क्या जो है आपका उस बैंक में जमा है। वो जो बैंक जिसमें आपका होम लोन ऑलरेडी चल रहा है वो आपको एलओडी देता है और अकाउंट स्टेटमेंट देता है कि आज की डेट में जो है आपका आउटस्टैंडिंग कितना खड़ा है, आपका आउटस्टैंडिंग क्या है। तो दूसरे बैंक से आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लेनी होगी और अकाउंट स्टेटमेंट लेना होगा। दोस्तों उसके बाद हमें ये देखना है कि चैन ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है। दोस्तों बहुत से बैंक जो है वो 30 साल का चैन ऑफ डॉक्यूमेंट मांगते हैं और बहुत से बैंक जो है वो 13 साल का जो है चैन ऑफ डॉक्यूमेंट यानी कि लीगल सर्च रिपोर्ट मांगते हैं। लीगल सर्च रिपोर्ट का मतलब ये होता है दोस्तों, आपका लोन जब हो रहा है, अगर कुछ बैंक 13 साल की मांगते हैं तो 13 साल तक जो है, जिस दिन आपका लोन हो रहा है उससे 13 साल पीछे तक जो है आपके जो कागजात हैं, जो मकान के कागजात हैं, उनमें कोई लीगल या कानूनी कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों कुछ बैंक 30 साल की लीगल सर्च रिपोर्ट मांगते हैं कि जब आप होम लोन ले रहे हो उसके पिछले 30 साल तक जो है आपके किस डॉक्यूमेंट में जो है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, टाइटल जो है क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे जो है दोस्तों लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मांगनी चाहिए। और दोस्तों चैन ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि जिस बैंक जहां से आपने प्रॉपर्टी खरीदी है वहां उसके उससे आपके नाम रजिस्ट्री हो जाती है और उससे पहले की जो रजिस्ट्री वगैरह है वो आपके पास होनी चाहिए। नगर निगम का जो है दोस्तों कोई भी टैक्स वगैरह बकाया आपके मकान पर जो है वो नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपका जो मैप है वो अप्रूव्ड होना चाहिए और इंतकाल जरूरी हो, म्यूटेशन जरूरी हो, दाखिल खारिज जो है वो जरूरी हो। दाखिल खारिज म्यूटेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपने जिससे मकान लिया था उसकी रजिस्ट्री तो आपने अपने नाम करवा ली, लेकिन क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो है वो पुराने मालिक का नाम हट चुका है और आपका नाम जो है वो क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो है दर्ज हो चुका है, उसी को म्यूटेशन बोलते हैं। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम होम लोन तो ट्रांसफर करवा लेते हैं लेकिन उसके अलावा भी हमें जो है मकान के रेनोवेशन की जरूरत है, मकान में जो है मरम्मत वगैरह की जरूरत है। तो दोस्तों आपकी जो इनकम है उसकी एलिजिबिलिटी के अनुसार जो है, उसकी योग्यता के अनुसार जो है, बहुत सारे बैंक जो है आपका होम लोन भी ट्रांसफर कर लेते हैं और एक्स्ट्रा जो है रेनोवेशन के लिए जो है, मकान की मरम्मत के लिए जो है आपको और भी जो है पैसा दे देते हैं। बहुत से बैंक जो है आपकी प्रॉपर्टी के जो एक्स्ट्रा वैल्यू है उसको गिरवी रख के जो है आपको मॉर्गेज दे देते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे देते हैं, आपको पर्सनल लोन दे देते हैं अगर आप कहीं पे इंप्लाई हो तो। और दोस्तों अगर आपका जो है सारी चीज क्लियर है और टेक ओवर कोई बैंक करना चाहता है तो आपको आपकी पर्सनल नीड के लिए जो है कई बैंक क्रेडिट कार्ड वगैरह की सुविधा भी जो आपको मुहैया करवा देते हैं। तो दोस्तों टेक ओवर जो है, अगर कोई बैंक हमें सस्ते ईएमआई पे जो है लोन दे रहा है तो हमें टेक ओवर करवा लेना चाहिए और दोस्तों ये सारे फैक्टर हमें चेक कर लेने चाहिए। तो दोस्तों बहुत आसान भाषा में आज आपको समझ में आया होगा कि होम लोन टेक ओवर क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट उसमें होती है और क्या क्या दस्तावेज लगते हैं और हमें कब होम लोन जो है वो टेक ओवर करवाना चाहिए। तो दोस्तों होम लोन टेक ओवर जो है आसान भाषा में वित्त कुंड के माध्यम से आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपका नॉलेज वर्धन हुआ हो, ज्ञान वर्धन हुआ हो, नॉलेज इंक्रीज हुई हो और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो,
दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है, ओम वित्ताय नमः। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाले वीडियो हैं। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओम वित्ताय नमः। राम राम भाइयों।